So good morning students, welcome all of you. This is Manoj Sharma. Welcome, welcome Vijayalakshmi. Welcome all of you. Afternoon, sir. Hello Rekha ma'am, how are you? Fine sir. Good morning sir. Good morning Vijay ma'am. Good morning. Good morning. कैसे हो? बढ़िया है. इंटरव्यू कब है? 28 तारीख को. ओके बेस्ट ऑफ लक. मैडम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. थैंक यू सर. माय एज यू नो माय नेम इज रेखा मैम एंड आई बिलोंग टू सोनीपत. सोनीपत इज नोन एज गोल्डन सिटी. एज पर एज माय क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2007 फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक एंड आई हैव कंप्लीटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री बीएड फ्रॉम पीडीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन सराय औरंगाबाद इन बहादुरगढ़. I have completed my master degree in 2010 from distance of directed education from MD University Rohtak. And as per as my achievements in my life, I have got second position in BA, third position in BA second year from Maharani Kishori Jatkanya Mahavidyalaya Rohtak. I have got first position in essay writing competition in our college. I have BNC certificates of NCC cadets as rank CPL. And recently I got first position in display board making competition in Indian Modern Senior Secondary School Sonipat. And recently I got a perfect teacher tag on Teacher's Day from our director ma'am. And my strength are I am determined and punctual in my life. Very good. Vijayalakshmi, dekha kitni uplabdhiyan lekar baithe Rekha madam Haryana mein. Aba big clap. Pooja, Sarita, welcome all of you. Good afternoon, sir. वेरी गुड वेरी गुड. इतनी ग्रेट पर्सनालिटी को पढ़ाने का बहुत मजा आएगा. ओके और इंट्रोडक्शन को डायनामिक बनाऊंगा. कब आ रहे हो आप? ओके सर कल शाम को. चलिए वेलकम हो आप हमारे शहर में, हमारे सिटी में, श्री गंगानगर. ओके आप वेलकम हो. और आज मैं कन्वे कर देता हूँ काउंसलर को. अब आप कैसे हो? हाउ आर यू? पूजा, सरिता, वेलकम ऑल ऑफ यू. विजयलक्ष्मी, मेरी बात हो गई मैम? अच्छा विजयलक्ष्मी. जी सर. मैडम कुछ है ना, अपनी सिटी को एलाबोरेट कीजिए, कुछ बताइए आप अपनी सिटी के बारे में क्या जानते हैं? सर मेरे सिटी का नाम गोरखपुर है. ओके. जहाँ बाबा गोरक्षनाथ का भी सुप्रसिद्ध मंदिर है. राइट. उसके बाद यहाँ अभी एक हाल ही में एक प्राणी उद्यान खुला है जो हमारे शहीद अशफाकुल्ला खा जी के नाम पर खुला हुआ है. शहीद अशफाकुल्ला खा प्राणी उद्यान. और उसके बाद सर ये यहाँ से बहुत ऐतिहासिक चीजें भी जुड़ी हुई हैं. चोरी चोरा कांड गोरखपुर में 1922 वाला यहीं पे हुआ था, गोरखपुर में ही. और सर यहाँ से कई हिंदी साहित्य के कई साहित्यकार हुए, जैसे हमारे विद्यानिवास मिश्र जी, रामदास मिश्र जी, मन्नन द्विवेदी गजपुरी तो सर हमारे गांव से ही है. ओके तो आप लोग ये राइटर के बारे में अच्छे से करके जाएंगे. ओके और हाँ ये हाँ जी. चलिए नेक्स्ट मेंबर पूजा सरिता प्लीज कम फॉरवर्ड ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं. आबा अनम्यूट कीजिए. आबा हेलो सर. हेलो 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 पूजा. पूजा आप ऐसा कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताइए. एनईपी 2020 सर ये बच्चों के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए लाई गई है. इसमें मतलब 5+3+3+4 का फॉर्मूला है. इसमें बच्चों के आंगनवाड़ी से लेके और सेकंड क्लास तक पहले 5 क्लास होंगी, 3 क्लास तो उसके आंगनवाड़ी से और प्ले स्कूल से रिलेटेड होगी और 1-2 उसकी बाद में हो जाएंगी. उसके बाद 3-5 आ गया. फर्स्ट स्टेज को सर फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है और 3-5 को प्रायोरिटी स्टेज बोला जाता है. Okay. उसके बाद 3-5-8 हो गया और फिर लास्ट का 9 से और 12 तक का 4 वाला फॉर्मूला हो गया जो सेकेंडरी स्कूल के लिए. Okay. और एजुकेशन से रिलेटेड क्या बजट में क्या आया आपकी बार? आप बताइए, आप कॉमर्स के हैं, बजट में एजुकेशन से रिलेटेड क्या बताया आपकी बार? सर कुछ स्कूल ओपन करे जाएंगे फॉर ट्राइब पीपल के लिए. ऑलमोस्ट 38,000 स्कूल ओपन किए जाएंगे उनके लिए. और okay, कोई पर्टिकुलर बजट की अमाउंट भी होगी ना कि इतना बजट रखा है? 6% कुछ होगा. 6% है सर. 6% जीडीपी 6% है.
ओके का okay. 6% सर, जीडीपी का जीडीपी 6% और रहेगा एग्जैक्ट अमाउंट कुछ रखा गया हो? सर, 1 करोड़ और सर। 30 लाख अमाउंट का तो ओके यस सरिता, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग ऑन द बजट? यस चलिए आपको नया क्वेश्चन पूछा जाता है, आप विमेंस डे के बारे में क्या जानते हैं? आपकी बार जो इंटरनेशनल विमेंस डे है उसका सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें हैं बताइए। सर। हाँ सर, ये मतलब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि इसकी मतलब हमारे देश में क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब इसका जानने का बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अमेरिका मतलब देश है वहां से मतलब ये शुरुआत हुई थी, और लेकिन वहां मतलब पहली बार अमेरिका ने होस्ट भी किया था 8 मार्च को। इसलिए लाया गया था क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे देश भर में महिलाओं की स्थिति मतलब कहीं ना कहीं खराब ही रही थी वहां पे, तब मतलब सोचा गया कि क्यों ना एक दिन ऐसा रखा जाए जहां महिलाओं की मतलब आगे लाने का और उनके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए इसको लाया गया था। मैडम और भी सरिता, एनवीएस में सुसाइड्स बहुत हो रही हैं, बच्चे कई बार हाँ सुसाइड हाँ कर लेते हैं, तो आप ऐसे टीचर क्या रोल अदा करेंगे वहां पर? हाँ सर, मतलब ये तो बहुत बड़ा वहाँ का मुद्दा है कि वहाँ लोग सुसाइड मतलब बच्चे भी कर सुसाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये होता है हमको जहाँ तक लगता है कि उनको मतलब अपने घर परिवार से छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अलग कर रखा जाता है, तो शायद वे मैडम और डिप्रेस बहुत रहते हैं। स्कूल्स है, ओ ग्रुप स्कूल ले लो आप, देखना सेकंड जी क्लास थर्ड क्लास के बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, वो भी बाहर रहते हैं घर से। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे ले लो, सैनिक स्कूल के बच्चे ले लो, यूपी सैनिक स्कूल के ले लो, सब हाँ अलग ही तो रहते हैं घर से। तो हाँ सर रहते हैं, लेकिन ये स्कूल मुद्दा, ये वगैरह के थोड़ी ना कि बच्चे अगर वो घर से अलग रहते हैं तो वो सुसाइड कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि ये एक वैलिड रीजन आप बताओगी। सर उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए, मतलब हाँ, तो कोई एज भी ए टीचर प्रॉब्लम आपका आ रोल रही क्या रहेगा? मेरे को पता है सब कुछ क्या करना है, एज ए टीचर आपका आंसर क्या रहेगा? पूजा जी, विजय जी, है। जी रेखा जी, मैं बता रही हूँ सर, जैसे जो मतलब बच्चे होते हैं सर नवोदय विद्यालय संगठन में वो रूरल एरिया से आते हैं, तो कभी कभी देखिए सर आत्महत्या कोई तभी करता है ना जब उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, उसको लगता है कि अब मेरा मुझे समझने वाला कोई नहीं है, उसका लास्ट स्टेप होता है सर। तो इसीलिए तो शिक्षा मनोविज्ञान लाया गया कि आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझिए कि कौन बच्चा परेशान है, कौन बच्चा क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ये एक शिक्षक का धर्म होता है, फर्ज भी होता है उनका कि राइट, आपको 40 बच्चे हैं तो 40ों पर निगाह रखिए, सही बात अगर है, कोई बच्चा परेशान है तो उसको क्लास से बाहर आके उससे बातचीत करिए, हो सकता है बातचीत करने के दौरान अपनी समस्याएं टीचर से शेयर कर दे। बिल्कुल। और हाँ मतलब आत्महत्या इसीलिए सर होती है ना कि बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता, सर कोई बच्चा परेशान है उसके तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं होता है कि क्यों परेशान के है साथ कैसे परेशान है, पर्सनली अगर पर्सनली काउंसलिंग की अटैचमेंट जाए उसको जरूरी उसको सकारात्मक सोच की तरफ ले जाया जाए कि नहीं तुम अच्छा कर है। सकते हो, इससे बेहतर भी तुम कर सकते हो, तो शायद वो कभी नहीं करेगा सोनी आप भी लाइफ में बोलिए, सामने आइए, गाइडेंस आप ये गाइडेंस काम की नीड है कंटिन्यू सर कीजिए, उनको, मैं मेंटल तो रूप उनको से मोटिवेट तैयार करता हूँ। करना पड़ेगा, शिक्षक ही तैयार कर सकता है, क्योंकि मतलब उनको लगता है जब वो क्लास में जाता है शिक्षक बातचीत करता है तो वो मतलब अपने जैसा फील करने लगते हैं बच्चे की, अगर जो मैम को हम ये बात बताएं या सर को बताएं तो हम लोगों को उन पर मतलब ये सब मेंटल रूप से ज्यादा तैयार करना होगा, तो जिससे वो अपने आप को सही रख तमिलनाडु में पाए। एनबीएस नहीं है, इसका क्या कारण है रेखा? सर वहाँ भाषा लैंग्वेज के का कारण, इश्यू है, क्योंकि वहाँ हिंदी को भाषा मान्यता नहीं दी गई है, तो इसलिए। थोड़ा लाउडली आंसर दीजिए। हाँ जी सर, वहाँ लैंग्वेज का इश्यू है सर, हिंदी की को लैंग्वेज का मान्यता इश्यू तो नहीं हर दी शहर गई। में है, वेस्ट बंगाल में भी लैंग्वेज अलग है, महाराष्ट्र में भी तो मराठी बोली जाती है, ये तो रिप्लाई नहीं हुआ आपका, कुछ और बताइए। कुछ और तो सर अभी मुझे आइडिया नहीं है इस चीज अलका का, सोनी, उसमें बहुत लोग हैं अपने संस्कृत इनका की माइंड लेते हैं। लैंग्वेज सरिता, जी आबा, सर, गुड उन्होंने थ्री आफ्टरनून फॉर्मूला एडॉप्ट सर, करने से मना कर दिया था फॉर द हिंदी, क्योंकि उसमें हिंदी को भी बोला गया था, इस वजह से मतलब वहां हिंदी को पे उन्होंने मान्यता नहीं विद्यालय। दी हाँ तो उनका कुछ अपना है। मैटर था, स्टेट मैटर, शायद हिंदी वहां पढ़ाई भी नहीं जाती, शायद इंग्लिश ऐसा भी कुछ है कुछ। को लेके नहीं पढ़ाई जाती। राइट राइट राइट, आपका आंसर लगभग आबा एक्यूरेट आई थिंक, ये सही है। हाँ संतोषजनक है सर इनका आंसर। जी, चलिए सोनी और अलका से भी रिक्वेस्ट है, पूजा से रिक्वेस्ट है, आप लोग सामने आकर बात करिए सारे। सरिता आप कोई क्वेश्चन पुटअप कीजिए हमारे मेंबर्स के साथ।
हाँ सर, हम ये तो बोलना चाहेंगे कि हिंदी में जो रीति काल है, रीति काल की क्या विशेषता रही है? हाँ जी बोलिए। यस सर, रीति नेटवर्क काल की प्रॉब्लम। विशेषता ये रही है, रीति काल पे पहले एक रीति पर कविताएं लिखी गई, इसीलिए उसको रीति काल कहा गया। सारे कवि, और जैसे उसमें श्रृंगार था आपका मेन, श्रृंगार पर कविताएं, और सारी कविताएं जो थी वो दरबारी, मतलब जो कवि थे वो अपने राजा को खुश करने के लिए एक रीति पर श्रृंगार पर ही कविताएं लिखी गई, तो इसलिए उसको रीति काल नाम दिया गया। लेकिन सारे कवियों ने तो नहीं लिखा है नहीं तो कुछ कवि जिन्होंने नहीं लिखा है वही रीति मुक्त कवि हुए, आलम बोधा गणानंद ठाकुर बिहारी, जिन्होंने रीति से इतर कविताएं की। और इसमें कुछ कवियों ने आपके वीर रस की कविताएं भी लिखी है, जैसे भूषण वगैरह है, लेकिन भूषण ने ज्यादातर भी। कवियों ने हाँ एक परिपाटी को पकड़कर उसी पर अपनी काव्य रचनाएं की हैं। और इस समय काव्य की जो भाषा थी ब्रज थी, दरबारीपन था और श्रृंगारिकता, मतलब नायिका वर्णन से सिक्तक, यही समय हो रहा था। कि जो नायिकाएं थी ये कौन थी रीतिकाल की कवियों की? रीतकाल की कवियों की नायिकाएं ये सामान्य जीवन से लिखे थे, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम पर भी, राधा को भी नायिका कहीं कहीं बना दिए हैं। पूजा मैडम और कोई लगभग सिचुएशन इनकी बेस्ड क्वेश्चन प्रेमिका, दीजिए एक इनकी बार जो मैडम को, सामाजिक जीवन से थी वही नायिका एचआर बेस्ड थी। तो क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, कोई सिचुएशन दो रेखा रहती मैडम को। पूजा थी, रहते थे वो, रेखा मतलब मैम, आपने अपना मैथ सब्जेक्ट ही क्यों चुना? मैम एक्चुअली मैथ्स जो है ना वो हमारा डेली रूटीन लाइफ से काफी रिलेटेड है। हर फील्ड में आप जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपने क्या किया, टाइम देखा कि मैं 5 o'clock उठा हूँ, तो वो 5 o'clock है क्या, वो डिजिट कहाँ से आई, वो मैथ से यूज होती है। तो वहीं से लेकर हमारा मॉर्निंग से लेकर पूरा लाइफ टाइम मैथ्स इंटर रिलेट करता है। मैं और दूसरा, इससे हमारी रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर सारी डेवलप होती है। वहां से हमें क्वेश्चनिंग अराइजिंग का आइडिया इतना जल्दी मिल जाता है कि बच्चा हर चीज में परफेक्शन अचीव कर लेता है। मैडम कोई बच्चा है सो आई उसको टेबल्स लेकिन याद नहीं हो रही, मैम, तो उसको आप लेकिन याद मैम कैसे मैथ्स करवाओगी में, सर? मैथ्स में सर बच्चे टेबल्स मैथ में तो, वीक होते हैं, तो हाँ जी एक्चुअली मैम वो आप इंटरेस्ट, उनको लेक ऑफ कैसे, इंटरेस्ट होता है। हाँ लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है, पहले उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। उसको हम क्या डेली रूटीन लाइफ से जोड़ दो, पहले उनको ना जैसे 2 का टेबल लर्न कराना है, तो 2 का टेबल बच्चे के लिए इजी हो जाता है। उसको हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिक्टली या जो भी मटेरियल हमारे पास हो उसको हम ज्वाइन करके एडिशन से समझाएंगे कि बेटा फर्स्ट हमने 2 स्टिक्स ली है, उसके बाद 4 स्टिक्स को लिया, फिर 6 स्टिक को लिया, उससे इंटरलेट किया कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बच्चा उसको इजिली अचीव करेगा। और अगर एक बार उसको टेबल इस पैटर्न में आ गई ना, तो फिर बच्चा हेजिटेट नहीं होगा और वो उसको फीलिंग आएगी पढ़ने की। चलिए पूजा ठीक कोई सिचुएशन दीजिए है स्टूडेंट्स आप लोग। पूजा मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि आपकी क्लास में कई बच्चे हैं वो स्लो लर्नर है, मगर कई बच्चे हैं वो ठीक बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मान लो आप, है ठीक तो है ऐसे बच्चों को आप एक साथ कैसे पढ़ाओगी ये बताइए पूजा। सर, जैसे कि एक्स्ट्रा वाले बच्चे हैं उनका काम हो गया, तो उनको हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं उनकी नॉलेज को चैनलाइज करने के लिए, कि कुछ उनको रीडिंग दे दिया या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, ठीक या है फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते कि आप इसके बारे में, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उनको कोई टॉपिक दे सकते हैं कि आप इसके पे, या जैसे कि अलाउद्दीन हो गया तो आप उस पे देखिए कि अलाउद्दीन की क्या क्या नीतियां थी, उनको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दे के बिजी कर सकते हैं। और जो स्लो लर्नर है तब तक वो इंटेलिजेंट वाले अपना काम बिजी रखेंगे, तो हम स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा मतलब टाइम दे के उनको उनके साथ में ला सकते हैं। सर ओके, सर एज मेरा अ एक एमबीएस क्वेश्चन है, टीचर रेजिडेंशियल लेकिन सर स्कूल। मेरा एक क्वेश्चन, एक हाँ जी मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जी बच्चा स्लो लर्नर मैम होता क्यों है? मैम स्लो लर्नर ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही स्लो हो, इंटरेस्ट की वजह से होता है मैम। किसी का किसी चीज में कम इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। बस उन बच्चों का हमें क्या देखना, उनका देखना है कि भी उनका इंटरेस्ट कैसे बन रहा है, किस चीज से बन रहा है, बस इंटरेस्ट को उनके डेवलप इंटरेस्ट करके उसी को फील्ड समझते में हुए उसको, उस चीज को हम मैम कोई पॉजिटिविटी स्किल ला सकते डेवलप हैं। नहीं होता, बस उनके जो सीखने का स्टाइल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सर मैं एक चीज अपनी तरफ से आपको बताना चाहती हूँ, मैं जब बच्चों का ट्यूशन ले रही थी तो मैंने एक चीज महसूस किया कि उनकी स्लो लर्निंग में उनके परिवेश का बहुत असर हो जाता है। हाँ एनवायरमेंट मैटर वो है, करता है। एनवायरमेंट तो हाँ सबसे ज्यादा इसमें
अपना रोल अपने निभा। अब उनके स्लो लर्निंग तो बच्चे का दोस्त नहीं है, उसके मैम वो एनवायरनमेंट का दोस्त है वहां इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट के ना जी हैबिचुअल हाँ हो जाते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है वो, राइट और उसको इम्प्रूव करने में उनको टाइम